गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अस्टेट अस्टेन कर्म और मेटलिक बार। जो धातु के वायर है, धातु के तार है, मेटलिक तार है, उसके लिए प्रतिबल विकृति का वक्र बनाते हैं। देखिए वक्र इस तरह होता है बच्चों, यहाँ से ए है, बी सी डी से इसके डिटेल के बारे में जानिए। देखो बच्चों, कोई भी मेटल वायर जब लेते हैं, वायर लिया, वायर पर आप फोर्स लगाइए, कोई आ गया, फर्स्ट हवा में आ गया, फिर बढ़ते गए, आ गया। एक ऐसा अवस्था आएगा बच्चों जिसके पास वह अपने पहली अवस्था में नहीं आएगा, यानी वह पॉइंट जिसके बाद वह अपने अवस्था में नहीं आकर के दूसरी अवस्था में अलास्ट नहीं दूसरा रूप बदल जाता है, यानी उसका गुण आता है ब्लास्ट। पॉइंट जिसके बाद वह मेटलिक बाय प्लास्टिक का रूप लेता है, प्लास्टिक वाला गुण आ जाता है, उस पॉइंट को कहेंगे इलास्टिक लिमिट। इस बिंदु के बाद वो क्या हो जाता है, उसका बिहेवियर जो होता है बच्चों प्लास्टिक वाला रहता है। जैसे आप तार गिरते गिरते मेटलिक तार गिरते हैं तो बढ़ जाता है, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट मिलता है बच्चों, उसके बाद वह पॉइंट क्या, उसके बाद क्या होता है, टूट जाता है, तो वो पॉइंट हो गया ब्रेकिंग पॉइंट। तो हमने बच्चों देखा कि कोई भी मेटलिक फोर्स पर खास सीमा के अंदर जब बढ़ते हैं तो इलास्टिक होता है, और उस इलास्टिक लिमिट का फोर्स अगर बढ़ाते जाते हैं तो वह प्लास्टिक हो जाता है, और अंत में क्या होता है बच्चों, वह टूट जाता है। वही एक गर्व है, इसे आप नोट कर लें बच्चों। हम समझते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।